सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IVF टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए, इस टेक्नोलॉजी की हमें क्यों नीड पड़ी या कब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में आइए हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स आते हैं वो यहाँ से आते हैं और जो एग्स आते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, ओविडक्ट में पहुँचते हैं, तो स्पर्म भी ओविडक्ट में पहुँच जाते हैं, यहाँ एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये तो ही नॉर्मल सिचुएशन विद वुमेन्स। तो अगर वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए कि उनकी ओविडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो वुमेन होती हैं उनके जो ये ओविडक्ट होता है ये ब्लॉक्ड होता है, राइट, ये ब्लॉक्ड होता है, तो जिस वजह से ये एग इस स्पर्म से मिल नहीं पाता। तो जब एग फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में नहीं पहुंच पाता, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम ब्लॉक्ड हो गई है उसकी फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ब्लॉक्ड है। तो इस वे में कोई भी वुमेन बेबी को बॉर्न नहीं कर सकती या प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम IVF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। देखिए, एक बात और मैं बता देता हूँ, वो जो वुमेन होती हैं जो मतलब बेबी बॉर्न नहीं कर पाती या ऐसी कोई उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनकी जो फॉलोपियन ट्यूब है ब्लॉक्ड होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेरल वुमेन। उनको बोलते हैं स्टेरल वुमेन, तो उनको बोलते हैं स्टेरल वुमेन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए, लेट्स मूव टू द IVF टेक्नोलॉजी, राइट। तो चलिए अब देखते हैं IVF टेक्नोलॉजी है वो कैसे करती है। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक हेल्प द वुमेन विद ब्लॉक्ड ओविडक्ट्स इन हेवन बॉडी इज एज फॉलोज। देखिए, हैविंग लिखा है ये हैविंग, राइट। सो जिन वुमेन के पास ब्लॉक्ड ओविडक्ट होती है तो उनको ये हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन में या प्रेग्नेंट होने में। तो ये कैसे काम करती है, आइए इसके बारे में हम फुल्ली डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, स्टेप वन ये होता है, द एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ वुमेन बाय लेप्रोस्कोपी। तो देखिए, लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये है यूटेरस और यहाँ है ओवेरी, तो ये ओवेरी ओविडक्ट में जाती है, राइट, सॉरी एग जो है, तो देखिए ये जो ओवेरी है तो यहाँ से सबसे पहले एग्स को बाहर निकाला जाता है ऑपरेशन करके, राइट। तो इन दिस ऑपरेशन स्मॉल कट इज मेड इन द आउटसाइड इन द साइड ऑफ वुमेन्स एब्डोमेन। तो जो वुमेन का एब्डोमेन है मतलब पेट है, ठीक है, मान लीजिए पेट है, तो इस पर कहीं साइड से ऑपरेशन से एक कट किया जाता है और फिर ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब इसमें इंसर्ट की जाती है, डाली जाती है और वहां से एग्स को इस ट्यूब में ले लिया जाता है, इस ट्यूब में ले लिया जाता है, सो दैट द डॉक्टर कैन सी द ओवेरी एंड टेक आउट द टाइनी एग्स। तो क्या होता है कि डॉक्टर फिर उसको ओवेरी को देख पाता है और वहां से वो टाइनी एग्स को निकाल लेता है। तो इस प्रोसेस में आपने अभी तक समझा कि जो वुमेन है उसका जो एब्डोमेन है उसमें एक कट लगाकर डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी ओवेरी को ओवेरी में से लेप्रोस्कोपी के थ्रू एक ट्यूब में उसके एग्स को ले लेते हैं, राइट। तो मान लीजिए अब ये एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, राइट। अच्छा, एक बात तो बताता हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही क्यों नाम है इसका। देखिए, विट्रो का मतलब होता है ग्लास, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फर्टिलाइजेशन ग्लास ट्यूब में होता है या ग्लास डिश में होता है उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक ग्लास ट्यूब में होता है, मान लीजिए ग्लास ट्यूब है, ठीक है, तो इसमें हमने लेप्रोस्कोपी यूज करके
एक वुमेन के अंदर से एक एग ले लिया ओवेरी से, राइट, द वुमेन्स हस्बैंड प्रोवाइड द स्पर्म, तो वुमेन जो वुमेन का जो हस्बैंड होगा वो एक अलग ट्यूब में स्पर्म को डाल के देगा, वो बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, राइट, तो वो क्या करेगा, उसको वो प्रोवाइड कराएगा स्पर्म्स। फिर क्या होता है, द स्पर्म्स आर मिक्स्ड विद एग इन द ग्लास डिश टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा, ये जो एग्स होंगे ये इस ग्लास ट्यूब में डालेंगे जाएंगे जिसमें एग होगा, राइट, तो ये स्पर्म्स इसके अंदर चले जाते हैं, राइट, इस डिश में या इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इस ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में, द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इन एम्ब्रियो, तो ये जो ग्लास ट्यूब है इसी के अंदर वो जो एग है फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बन जाएगा, राइट, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, मैंने आपको बताया ना एम्ब्रियो 4 to 5 वीक्स तक एम्ब्रियो ही रहता है लगभग, तो एम्ब्रियो बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट, हम अब समझ लिए टेस्ट ट्यूब बेबी ही क्यों बोलते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसको एम्ब्रियो बनता है ये टेस्ट ट्यूब में बनता है, ग्लास ट्यूब में, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर अबाउट अ वीक वन मोर एम्ब्रियोज आर प्लेस्ड इन द वुमेन्स यूटेरस, उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियो है इसको वुमेन यूटेरस के अंदर डाला जाता है और फिर ये एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड इन द यूटेरस सक्सेसफुली, उसके बाद ये इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में, उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद बेबी इज बॉर्न आफ्टर 9 मंथ, तो 9 मंथ के बाद बेबी बॉर्न हो जाता है। तो ये थी इन विट्रो टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ और बताता हूँ, ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी क्या कहाँ से ये शुरू हुई है। देखिए 1950 में ये इसको इन्वेंट किया गया था, तो ये जो यूज़ किया जाता था पहले ये केवल फार्म एनिमल्स पर किया जाता, फार्म एनिमल्स पे, चाहे वो काऊ हो चाहे वो बफेलोज हों, तो उनके लिए क्यों यूज़ किया जाता, अच्छे से अच्छी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स वाली एनिमल्स को ग्रो करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता था, उसके बाद ये ह्यूमंस में भी आ गई, लेकिन कोई ज़्यादा सक्सेसफुल रेट नहीं रखती है, इसका जो सक्सेसफुल रेट है वो केवल 40-50% के आसपास है, मतलब लगभग आधे से भी कम चांसेस होते हैं ये सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है, तो ये आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइए इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो और जानते हैं, ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में वुमेन का मान लीजिए एब्डोमेन है और एब्डोमेन में यहाँ कट लगाकर यहाँ से लेप्रोस्कोपी के थ्रू ये एग इसमें लिया जाता है, फिर ये एग जो उसका हस्बैंड होता है कि उस लेडी का, वो स्पर्म प्रोवाइड कराता है और वो यहाँ पर फर्टिलाइज करवा देते हैं इसके स्पर्म, फिर जब ये एम्ब्रियो बन जाता है इसको टेक्निक द्वारा यहाँ वेजाइना के थ्रू अंदर डाल दिया जाता है यूटेरस में, फिर वो यूटेरस में डाल दिया जाता है, यूटेरस में वो इम्प्लांट हो जाता है और नॉर्मल तरीके से बड़ा होकर यहाँ वेजाइना से बाहर आ जाता था। तो ये थी IVF टेक्नोलॉजी, IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अब आगे हम पढ़ेंगे विविपरस एनिमल और ओविपरस एनिमल।